नमस्कार, क्राइम रिपोर्टर्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा सरोज। आई नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। एसपी नाजनीन भसीम के आदेश पर गांव कमालपुर व करनावास के निकट टैंकरों के जरिए होने वाले तेल के काले कारोबार पर रेवाड़ी सीआईए की टीम ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1100 लीटर डीजल व पेट्रोल बरामद किए हैं। पुलिस ने 5 आरोपियों को भी मौके पर ही काबू किया है। आरोपियों की पहचान भवाड़ी निवासी राजपाल विजय पाल, गुरुग्राम जिला निवासी बीरेंद्र, मुड़िया खेड़ा निवासी हवा सिंह तथा मध्य प्रदेश निवासी राजेश के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके पर एक पिकअप व तेल से भरे ड्रम व कैन भी बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपियों के अलावा गोदाम मालिकों के खिलाफ केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। एसपी को सूचना मिली थी कि करनावास स्थित ऑयल डिपो से निकलने वाले तेल टैंकरों के चालक तेल की कालाबाजारी करने वाले गिरोह से साजबाज होकर तेल चोरी का खेल खेलते हैं। तेल का अवैध धंधा करने वाले गिरोह के लोग टैंकर चालकों द्वारा चोरी की गई है, तेल सस्ते भाव पर खरीदते हैं और महंगे दामों पर उसे राजस्थान में बेच देते हैं। एसपी ने रेवाड़ी सीआईए को इस धंधे में शामिल लोगों पर शिकंजा कसने का आदेश दिया था। एसपी के आदेश मिलते ही रेवाड़ी सीआईए इंचार्ज विद्यासागर ने अपनी टीम के एएसआई रजनीश, इंद्रजीत प्रधान, सिपाही योगेश, संदीप, सुनील कुमार, सिपाही बीर सिंह, जितेंद्र, विक्रम, रमेश कुमार, सुरेश कुमार, रविंद्र व सतपाल को साथ करनावास से लेकर कमालपुर तक डेरा डाला हुआ था। पुलिस टीम ने लगातार दबिश दी और गिरोह पर नजर रखी। मंगलवार को धंधे के बारे में पूरी जानकारी पुख्ता होने पर टीम ने एक साथ 5 ठिकानों पर बने गोदाम में रेड की। रेड के अलावा 2 अलग अलग 5 गोदामों में चोरी की हुई डीजल पेट्रोल से भरे ड्रम, एक पिकअप गाड़ी व लोग खोलने वाले के लिए बनाई गई मास्टर चाबियां तथा तेल चोरी करने वाले उपकरण सहित 5 लोगों को काबू में किया गया। भिवानी से साहिल गिरधर की एक रिपोर्ट।